राम 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 राम। अरे कोई मंत्र नहीं भी आता, राम तो आता है, राम 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 राम। और सच पूछूं तो भारत की प्रभात का पहला स्वर कुछ है तो वो राम ही है। बोलो राम राम जी, राम राम जी, राम राम जी। कैसे हैं आप? राम राम जी, ठीक है? और बच्चे ठीक है? राम राम जी। ये पहला स्वर है भारत का। पाश्चात्य वाले कहते हैं गुड मॉर्निंग, पर वो गुड मॉर्निंग कैसे होगी? अरे राम के नाम से ही तो गुड होगी। बोलो तो राम राम, वो तो गायब होता जा रहा है अब कहीं कहीं। राम राम जी कहाँ कह पाते हैं हम अब तो? गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, नमस्ते भी गायब हो गई अब तो। नमस्ते जी किसी को कहो तो हंसा देता है। किसी कार्यालय पर, कार्यालय में चले जाओ, कहीं पर चले जाओ, किसी ऐसे को जिसको गुड मॉर्निंग कहने का, गुड नाइट कहने का रिवाज हो अपने ऑफिस में, तो कहना जरा नमस्ते जी, तो देखो फिर क्या होता। राम राम जी कहकर देखो ऑफिस में। किसी के प्राण निकल जाएं तो कह देते हैं इसके राम निकल गए, क्योंकि राम और कुछ नहीं प्राण है, राम तो हमारे प्राण है, प्राण निकल गए इसके। और राम ऐसी चीज है जो अर्थी के साथ भी जाती है। राम नाम सत है, जो ना बोले मृत है। जो नहीं बोल रहा वो मृत ही तो है। राम नाम सत है और जो ना बोले वो मृत है।